सो हेलो एवरीवन। और अभी हम लोग आज आपको पता होगा आज कुछ स्पेशल डे है। देखने से लग रहा आज कौन सा डे है। हेलो एवरीवन, तो आज है जैसे कि आप लोगों को पता है 14 तारीख है, तो कई लोग अब मुस्कुरा रहा होगा, अरे वाह ये लोग 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए रेडी हुए हैं। बट वो भी है जिसको ऑल इंडिया इस त्योहार को जोरों शोरों से मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे त्योहार। लेकिन आज है एक चीज और है, मातृ पितृ दिवस है, तो हम लोग उसके लिए रेडी हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं भगवान जी का। तो आगे आप लोग देखते रहिए क्या होता है, क्या क्या होता है, बहुत सारे हम लोग एक्टिविटी करने वाले, वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, तो हेलो एवरीवन, और देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे आज हम लोग माता पिता दिवस के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन है कि ना। और क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं आपको जरूर बताएंगे। ये है सतरूपा शीतला मंदिर के सारी डी दुर्ग। तो हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, गरीब अनाथ लोगों को चादर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए द हमारे फ्यूचर डायमंड लीडर मिस्टर हुमन सर जी, और इन्हीं के साथ में ही हैं आज हमारी ऑल इंडिया यूथ आइकॉन मिसेस शिवनंदिनी साहू मैडम जी। आज ये सब चीज़ पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के बदौलत ही हो पा रहा है। तो आप लोग भी अच्छे से काम कीजिए और स्मार्ट वैल्यू में अपनी सेवा के साथ साथ लोगों की भी यहाँ पे समाज सेवा भी हम कर सकते हैं। सो आप लोगों को भी अच्छे से काम करना है। आज यहाँ पे गरीब और अनाथ लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए Oh, 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 oh,
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. बोले थे तो हम लोग वो सारे एक्टिविटी कर लिए हैं और हम लोग थक भी गए हैं क्योंकि देखो शाम हो गई है और मेरे साथ जो है वो भी थक गए हैं। आप थक गए हैं? नहीं थके हैं भाई, एनर्जेटिक पर्सन है। अभी हम लोग साईं मंदिर गए थे, दुर्ग का केसारी डीही कसरी डीही है ना, वहाँ गए थे साईं मंदिर में। बहुत सारे लोग, आज माता पिता दिवस है तो बहुत बुजुर्ग लोगों को हम लोग खाना दिए और साथ साथ ब्लैंकेट जो होता है वो दिए। बहुत अच्छा लगा, हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट किए तो आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये सब पॉसिबिलिटी हो पाया स्मार्ट वैल्यू की वजह से, अगर हम लोग स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो सोच नहीं बना पाते। तो आज हम लोग ये जितना हमारी हिम्मत, जितना मदद करना चाहिए। आज के दिन में बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, है कि ना। आज एकदम खास त्यौहार है हमारे इंडिया के यंग जनरेशन लोगों का, पर हम लोग इस त्यौहार को नए तरीके से मनाए हैं। माता पिता दिवस जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को शॉल देके और एक छोटा सा एक्टिविटी किए हैं, एक्टिविटी किए हैं। छोटा सा है, इस शुरुआत है। हम लोग भी वैलेंटाइन डे ही मनाते थे हर साल, बट अभी हम लोग सोचे कि हमको अपडेट होना जरूरी है, दुनिया अपडेट हो रही है, तो
वैलेंटाइन डे कैसे मनाते हैं? अरे डुप्लीकेट का जमाना है, क्योंकि हम जब बदलेंगे तो लोग बदलेगा। एक छोटा सा एक्टिविटी से आप भी एक्टिविटी करेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुकून मिलेगा। सुकून, छोटा सा एक्टिविटी करके देखिए, सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, गरीब लोगों का ब्लेसिंग, दुआ मिलेगा और दुआ काम आएगा। दुआ अच्छा होगा, बिजनेस धमाका होगा, बढ़िया होगा। ओके, और देख सकते मैडम एकदम बहुत ही हालत खराब हो गया है इनका, लेकिन अभी सफर यहीं तक नहीं रुकती है, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं अभी, माता पिता दिवस मनाने भी जाएंगे अभी। हाँ। हमारे एक लीडर्स ने हमको इनवाइट किया है और आज गाड़ी ले रहे हैं विशाल गुप्ता, तो बोला है सर आज हमारे यहाँ एक्टिविटी करना है सर, माता पिता दिवस, हमारे मम्मी पापा के साथ भी आपका भी दिवस मनाएंगे बोले हैं। तो देखते हैं भाई क्या दिवस मनाते हैं, आएंगे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे उनके व्लॉग, बाइक व्लॉग में अगर आप देखेंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और अभी देख सकते हैं अभी हम लोग लास्टली है, लास्ट मंदिर है, कौन सा मंदिर? चंडी माता मंदिर। ये चंडी माता मंदिर, और हम चंडी माता मंदिर में ये माता के लिए क्या क्या श्रृंगार फूल है, क्या पूरा फूल है नारियल। और अभी मैं जस्ट मैं दिखाने वाला हूँ पीछे तक, पीछे देखो, पीछे पीछे ये दुर्गा का बहुत बड़ी फेमस मंदिर है, दैट इज अ चंडी मंदिर। लेकिन जय चंडी मंदिर माता से आपको मैं जरूर मीट कराना चाहूँगा, बहुत ही शानदार मनोरम जगह है। यहाँ पास आने के बाद दिमाग इतना शांति लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पास देख रहे होंगे ये वीडियो के माध्यम से, और चंडी माता से हमारे मैडम ऑलरेडी आ रहे हैं मन्नत मांगने के लिए, कुछ और अलग मन्नत मांग रहे हैं, सस्पेंस में आपको जरूर मैं बताऊंगा। ये है चंडी माता, हो रहे हैं बंदना। पूरा महल टाइप लगता है यहाँ बसाने का।